ये है सनौला प्रखंड का ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेलवारा। तब हम कहते हैं कि जब सच्चाई दिखाते हैं तो कुछ भ्रष्ट और फोकट में लेने वाले सैलरी जो लेते हैं उनको कड़वा लगता है। क्यों कड़वा लगता है? जब हम सच दिखाते हैं तो उसको कड़वा लगता है। अब कहिए इसमें क्या बात है? तो देखिए, अभी समय नहीं हुआ है और ये स्कूल में ताला लग गया है। तो आप कह सकते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ? तो कैसे हुआ तो शिक्षा पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ के टीचर क्या कर रहे हैं, आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, इनसे कभी हमको ये नहीं लगता है कि हिसाब किताब मांगता होगा। ये वजह है कि ये जब इसका मन मर्जी चलता है, जब मन होता है तो ये बुरिया बिस्तर समेत के ताला लगा के अपने घर को चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं अगर इस तरह से स्कूलों का हालात रहेगा तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। इसीलिए हमारा बिहार शिक्षा में सबसे नीचे स्तर में गिना जाता है। आप देखिए कि स्कूल का स्थिति, अभी समय नहीं है और ये ताला लग गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? करोड़ों रुपया मुख्यमंत्री जी करते हैं शिक्षा पे खर्च, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी स्कूल के प्रांगण में पहुंच गए हैं। ये स्कूल है भागलपुर जिले के सनौला प्रखंड अंतर्गत अंधिया गांव है। ये है प्राथमिक विद्यालय अंधिया। आपको मैं यहां से रूबरू कराऊंगा कि इस स्कूल की क्या परिस्थिति है, कितने शिक्षक आते हैं, पढ़ाई होती है या नहीं होती है। मैं जानकारी लेता हूं, यहां से दिखाता हूं स्कूल का स्थिति। देखिए ये स्कूल है। बिहार सरकार कड़ी मेहनत कर रही है सरकारी स्कूल के पीछे कि हमारा स्कूल बढ़े, समाज का बच्चा पढ़े, समाज का उत्थान हो। आप देखिए ये खाली पड़ा हुआ है, एक भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, टीचर नहीं है। और मैं दूसरे क्लास में दिखाता हूँ, एक कक्षा इसमें तीन लिखा गया है। देखिए कक्षा तीन की स्थिति, यहाँ पे कक्षा तीन भी पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। मात्र में ये टेबल पे स्टिक रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और बोर्ड वगैरह तो लगा हुआ है। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें, शौचालय का इस्तेमाल करें। मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ शौचालय है या नहीं है। देखिए ये आगे ये सब कक्षा वर्ग है, फाइव है, ताला लटक रहा है। करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है शिक्षा की ओर, और स्कूल में ये अगर ताला लटका रहेगा तो क्या होगा? स्कूल का स्थिति कैसे पढ़ेगा बच्चा? इधर भी कार्यालय है। और देख देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी समय, मैं आपको दो बज रहा है और कार्यालय में ताला लटका हुआ है। यहाँ एक लिखा हुआ है, सॉरी इस टाइम दो नहीं बज रहा है, 1:23 हो रहा है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आप समझ सकते हैं बिहार के स्कूल की हालात क्या है। क्या ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे जब शिक्षक ही मौजूद नहीं रहेंगे यहाँ पे? जैसा कि यहाँ एक कोई शिक्षक मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ, बताता हूँ आपको स्कूल में कितने शिक्षक हैं। क्या नाम है सर? एक मिनट रुकिए ना, बोलिए ना, नाम क्या है आपका? 6 शिक्षक हैं। तो अभी तो सिर्फ आप दिख रहे हैं, और कहाँ हैं? मैडम सिर्फ तो आप यहाँ पे, और शिक्षक सब कहाँ हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, यानी सभी लोग लोकल हैं, कहीं चल गए थे? और दो तो छुट्टी में हैं। दो गो छुट्टी में हैं, और तो दो गो छुट्टी में हैं, और तीन गो छुट्टी में, तीन गो छुट्टी में है, तो तीन टीचर प्रेजेंट तो यहाँ पे रहना चाहिए था। एक मैडम आ रही है, लेकिन आप ही दिख रहे हैं। मैडम अभी आ रही है, आ रही है। किसी आप खबर किए मैडम को? नहीं खबर नहीं किए, वो गई हुई थी टॉयलेट के लिए। हाँ हाँ, नेगेटिव नहीं, वो हम पूछ रहे हैं स्कूल में नहीं रहेगा इसलिए नेगेटिव का क्या सवाल है? सबको भूख लगा, आपसे नेगेटिव क्या सवाल पूछा? खाने के लिए गए हुए थे, कुछ लोग बच्चे खेल रहे हैं, हम जान रहे हैं। आपसे नेगेटिव क्या सवाल पूछा गया? हम तो सवाल बोल रहे हैं, शिक्षक उपस्थित
नहीं है, ये वो बोल रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ का सच्चाई दिखाया कि क्या चल रहा है। शौचालय वगैरह है यहाँ? शौचालय पीछे है। किधर है दिखाइए जरा, आइए मैं आपको शौचालय का भी दृश्य दिखाता हूँ, कैसे स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा शौचालय। बैठा है इधर इधर, ये देखिए स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहे। ये देखिए पीछे घर, ये शौचालय जाने का ये रास्ता है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ का, ये शौचालय है। जरा कैमरा मैन से हम कहेंगे कि जरा इस दृश्य को दिखाया जाए। ये शौचालय है, आप देखिए इसमें ताला लगा हुआ है। अब कैसे स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा जब विद्यालय के शौचालय में ये ताला लटकेगा, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी इस विद्यालय की। इस तरह से दुर्दशा है। बिहार सरकार कितना खर्च करती है शिक्षा के पीछे, इन बच्चों के पीछे, कि किसी तरह हमारा समाज बढ़े। और ये है हैंड पंप, चलो बाबू थोड़ा पानी गिरता है, चलो चलो पानी निकलता है, नहीं निकल रहा है। अरे इसको इसमें भी लगता है कुछ गड़बड़ी है, देख सकते हैं आप। तो मैंने ये दृश्य दिखाया आपको कि क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों की। इसलिए हमारा कार्यक्रम चल रहा था कि चलो सरकारी स्कूल की ओर। इधर भी कौन रूम है, अभी दिख रहा है डबल हैंड पंप यहाँ पे दिख रहा है, देखिए निकलता है पानी, देर में निकलता है, देर में निकलता है। ये सब क्या है, पानी नहीं निकलता, सब से पानी निकलता है ना, ना तो नहीं निकलता। सब का मस्त फोन ही सब खराब कर दिया, देरी निकलेगा वो चपाकल वो भी। अरे तेरे वो तो टूटा हुआ है, देखिए